Hello everyone, here is an update for all the GPET aspirants and also for the GPET qualified students. ये जो information है ये खुद PCI के president Dr. मंटू कुमार पटेल ने share की है और इस information को हमने दो category में divide किया है. पहली जो category है हमारी वो है जो बच्चों ने पिछले सालों में GPET qualify किया है और वो कहीं किसी कॉलेज से अभी M.Pharm pursue कर रहे हैं. उन लोगों को अभी confusion है regarding their fellowship, regarding their disbursement of scholarship. So, अभी PCI के प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है कि दे आर डेवलपिंग सम सॉफ्टवेयर फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ फेलोशिप. जैसे ही वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा जिसमें इंफॉर्मेशन बच्चों की गैदर होगी और जैसे ही इंफॉर्मेशन सब PCI हैंडल्स में पहुंच जाएंगी उसके बाद जो डिसबर्समेंट है फेलोशिप का वो स्टार्ट हो जाएगा. और उन्होंने कन्फर्म किया है कि फेलोशिप जरूर हर बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी जो जो GPET क्वालिफाइड हैं और एलिजिबल हैं फेलोशिप के लिए. नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी बच्चा वो है GPET 2024 एस्पायरेंट जो कि अभी 2024 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. उन लोगों के दिमाग में एक ही कंफ्यूजन है कि आखिरकार कब आएगी डेट GPET की, कब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म. इस चीज को भी कंफर्म किया है PCI के प्रेसिडेंट ने और उन्होंने बोला है कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो है वो जून के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा. बींग अ टीचर मैं आप लोगों को एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं यहाँ पे बच्चा कि जितनी भी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही हैं उन सब से दूर रहिए. वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी. एस्पायरेंट्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, शिद्दत से पढ़ते रहिए. इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप फार्मेसी इंडिया के ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी फैकल्टी के साथ और जितने भी कन्फ्यूजन है वहाँ से आपके दूर हो जाएंगे. बस प्रिपेयर करते रहिए. एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर एग्जाम जून में होता है बच्चा तो मोस्ट प्रोबेबली नाइपर का एग्जाम जुलाई या अगस्त में होगा, जिससे जैसी आपकी प्रिपरेशन रहेगी GPET की वैसा ही आपका नाइपर का एग्जाम जाएगा. जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन आपकी GPET की रहेगी वैसा ही आपका नाइपर का एग्जाम जाएगा. तो जितना टाइम आपको मिलेगा उतने टाइम में प्रिपेयर करते रहिए, अपने आप को ग्रूम करते रहिए, अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बिल्ड करते रहिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ऑफिशियल मेल आई डी फार्मेसी इंडिया. थैंक यू.